इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे, उनको तोड़ करके हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। अभी भी 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था, आदि शंकराचार्य ने उसको बद्रीनाथ हिंदू धर्ममठ बनाया, तो बौद्ध मठ था। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जिनको कोई बौद्ध नहीं है, न वो भूगोल जानते हैं, न इतिहास जानते हैं, न इकोनॉमिक्स जानते हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार का बौद्ध नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक राजनेता जो गेंडा स्वामी है, उसने जो है जानबूझ करके ऐसा बयान दिया कि केदारनाथ जो है बौद्ध मठ है। ऐसे लोगों को यही बोध नहीं है इतिहास की गहराइयों में। जब हमारे यहाँ महाभारत हुआ है और महाभारत को कालखंड कम से कम 5000 वर्ष से ऊपर हो चुका है, जब इतनी सारी घटना हो गई तो महाराज भीम और ये अज्ञातवास के अंतर्गत जब गए तो उन्होंने भगवान शंकर जी के लिए जब उपासना करने का चाहा तो भगवान शंकर महाराज भीम ने एक पहाड़ी के बीच में ऐसे करके दोनों पैरों से खड़े हो गए। जब वहां नाना प्रकार के पशु जो है भोजन कर रहे थे उस समय, तो उन्हीं के बीच में आकर के भगवान शंकर जी ने नंदी का बैल बना करके खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए तो सबके सब जीव महाराज भीम को देख करके आगे जाने लगे। जब ये स्थिति देखी, लेकिन जब भगवान शंकर जी नंदी के रूप में वहां प्राकट हुए थे, वो इसी स्थिति में खड़े रहे, तो जब महाराज भीम ने उन्हें पहचान लिया तो पहचान करके क्या किया कि उनका जो ऊपर वाला कुबड़ था उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ते गए, वो चारों पैरों से वहां ऐसे करके समाते चले गए, जिनका मुंह जा करके काठमांडू में आपका पशुपतनाथ के रूप में जाना गया और यहाँ जो आपका केदारनाथ जी के रूप में जाना गया। भारत में प्राचीन परंपरा हमारी रही है, जिन लोगों को बौद्ध मठ बताने की, उन्हें अपना जाकर के बरेली में अपने मानसिक दिवालिया का, अपने मस्तिष्क का जो है अपना इलाज कराना चाहिए। जो इस तरह के लोग जिनको इतिहास का कोई विषय का अनुभूति नहीं है, जिन्हें बौद्ध मठ, ठीक है, अच्छी बात है, बौद्ध जाए तो चाइना को अपनी बात बतानी चाहिए थी कि भाई बौद्धों का हमारा पूरा चाइना है, तिब्बत हमारा है, ये जो बौद्धों के जो केंद्र है बर्मा हमारा है, ये बताना चाहिए था हमें। बहुत सारे देश हैं जिनके बारे में बताना चाहिए था, जापान है, जर्मनी है और थाईलैंड, तमाम तरह के देश हैं जिनमें पड़े हुए हैं कि भाई देश ही है हमारा, तुम केदारनाथ को बौद्ध मठ बता रहे हैं, ये कहां की तुम्हारी बौद्धिकता है? क्या तुम्हारा यही इतिहास है? तुम्हारी आयु के अनुसार जो बौद्धिकता नष्ट हो गई है, इसलिए अब सीधा सीधा पहले तपस्या करने के लिए, स्वयं वहीं क्षमा मांगने के लिए, वाणी के दोष को और अपराध को खत्म करने के लिए सीधा सीधा और केदारनाथ पे जाएं और वहां पहले कम से कम नहीं तो दसियों वर्ष तक अपनी साधना लगाएं। जब दाढ़ी मूंछ और जाकर के जब जटाएं बढ़ जाएं तब वहां को सिद्ध करें कि ये बौद्ध मठ था, गौतम बुद्ध की तरह कि मुझे ध्यान समाधि में जो है मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, तब ये बात बताएं कि ये बौद्ध मठ है या केदारनाथ धाम है। दे रही है धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर।